तो आज देखेंगे साइंस वन चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशंस, और इसका देखेंगे पार्ट वन। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, क्या पूछा है देखो, कैन यू रिकॉल, क्या तुम रिकॉल कर सकते हो? क्या पहला सवाल पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई, स्पेस और स्काई में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पहला सवाल पूछा है। तो देखो, द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस सीन विथ नेकेड आईज विदाउट एनी टूल्स एंड इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज स्काई, जो हम हमारे खुले आंखों से देख सकते हैं, जो स्पेस है, अगर बाहर जाएंगे भी आसमान वगैरह देखेंगे तो खुले आंखों से जो देख सकते हैं विदाउट एनी टूल्स, किसी टूल्स और इक्विपमेंट के बिना, उसको क्या कहते हैं, स्काई, जो हमारे नजरों को आंखों को दिखाई देते हैं बिना किसी टूल्स और इक्विपमेंट के इस्तेमाल के, उसको कहते हैं स्काई। और स्पेस किसको कहते हैं, देखो, द नॉन एंडिंग एक्सपांस इन विच द सोलर सिस्टम गैलेक्सीज एंडलेस यूनिवर्स एग्जिस्ट एक्सेट्रा एग्जिस्ट इज नोन एज स्पेस। तो स्पेस किसको कहते हैं कि जिसमें नॉन एंडिंग एक्सपांस, तो उसका अंत पता नहीं है, तो नॉन एंडिंग एक्सपांस, इन विच द सोलर सिस्टम है, फिर उसमें अलग अलग गैलेक्सीज है, फिर एंडलेस यूनिवर्स, यूनिवर्स एंडलेस है, ये सब कुछ उसमें समाया गया है, उसको कहते हैं स्पेस। इनके दोनों में ये डिफरेंस है। तो जो स्काई क्या होता है, हमको जो दिखाई देता है, और स्पेस क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता, इसका क्या नो एंड है, लिमिट, इसका एंड लिमिट नहीं है, ये स्पेस में आता है। सेकेंड सवाल पूछा है, व्हाट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, ये सवाल पूछा है। तो देखिए, देयर आर प्लैनेट्स, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट धूमकेतु, तो कॉमेट्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, स्टार सितारे वगैरह होते हैं एक्सेट्रा इन द सोलर सिस्टम, और जो सूरज है ये भी क्या है, एक स्टार है, लेकिन ये बहुत करीब है, इसके लिए आपको बड़ा दिखता है, तो सूरज भी क्या है, एक किस्म का स्टार है। तीसरा सवाल पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय अ सैटेलाइट, सैटेलाइट कहते किसको है, तीसरा सवाल ये पूछा है। तो देखो, अ सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग एनी प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, तो कोई प्लैनेट को अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करता है, क्या उसके घूमता है, आजू बाजू इर्द गिर्द घूमता है, उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट। और हमारा जो अर्थ है, अर्थ को कितने सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सैटेलाइट है, एक ही है, वो क्या है, मून है, वो है मून है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, मून है, चांद है। चौथा सवाल पूछा है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव, सवाल क्या पूछा है देखो चौथा, कि हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव, तो अर्थ को कितने सैटेलाइट है, एक ही है, और वो कौन है, मून है, तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, तो ये नेचुरल है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल बहुत है, करोड़ों में। अब लेसन को शुरुआत करते हैं, स्पेस मिशन क्या बताया, देखो, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट मेकिंग स्पेस वॉयज पॉसिबल। तो देखो, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के हिसाब से, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते गई 20th सेंचुरी के बाद में, मतलब लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट मेकिंग स्पेस वॉयज पॉसिबल। वॉयज का मतलब क्या है, सफर करना। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से तो स्पेस वॉयज क्या हो गया, पॉसिबल हो गया, नहीं तो इसके पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम स्पेस में क्या कर सकते, ट्रैवल कर सकते, प्रवास कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते गई, तो उसके टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते बढ़ते गई, तो स्पेस वॉयज भी ये क्या हो गया, पॉसिबल हो गया, मुमकिन हो गया, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के हिसाब से। आगे बताया है, सिंस देन मोर देन 1000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो उसके बाद में हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या है, हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये क्या किए गए हैं, अर्थ के ऑर्बिट में भेजे गए, अर्थ के ऑर्बिट ऑर्बिट में क्या हुआ, भेजे गए हैं। Additionally, space mission have been undertaken for close observation of various objects in our solar system.
तो जो स्पेस मिशन के तहत बहुत सारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो ये क्यों भेजे जाते हैं? इसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। इसका मकसद बहुत कुछ हो सकता है। थोड़े जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं किसके लिए भेजते हैं? हमारे जो मोबाइल कनेक्शन वगैरह आता है उसके लिए भेजे जाते हैं, टेलीविजन के लिए भेजे जाते हैं, क्लाइमेट वेदर के लिए भेजे जाते हैं। एक एक बार स्पेसक्राफ्ट दूसरे दूसरे ग्रह पर भी भेजे जाते हैं, जैसे मार्स के ऊपर है, उधर लाइफ वगैरह है के जाने के, तो अलग अलग कारणों के लिए भेजे जाते हैं। वी कैन क्लासिफाई द स्पेस मिशन इन टू कैटेगरी। तो देखो, स्पेस मिशन को क्या कर सकते हैं हम? दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वाला है अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के इर्द गिर्द। तो इन वन टाइप ऑफ मशीन द ऑब्जेक्टिव इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो पहला जो मकसद होता है पहले टाइप के मशीन में क्या होता है कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होता है वो ऑर्बिट के अर्थ के ऑर्बिट में भेजना, इसका मकसद होता है अर्थ के ऑर्बिट में। क्यों? फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन। तो रिसर्च करने के लिए और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। हम आगे आगे देखेंगे अलग अलग बाकी के क्या मकसद होते हैं। और दूसरा मकसद होता है इन आउटर स्पेस। किधर? पहले तो हमने देखा अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में भेजा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी दूसरा है कौन सा है? आउटर स्पेस, मतलब अर्थ छोड़ के दूसरे जगह, जैसे मार्स पर है, जुपिटर पर वगैरह होगा, दूसरे इधर। तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ मशीन इज टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट टू आउटर स्पेस फॉर क्लोजर ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए इसके लिए भेजा जाता है, और इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बाहर भी भेजा जाता है। पहले पूछा है डू यू नो, एक इंफॉर्मेशन दी है, क्या बताया? देखो, द फर्स्ट पर्सन टू गो इन टू द स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट वॉज यूरी गैगरिन। तो देखो, सबसे पहला इंसान जो स्पेस क्राफ्ट में जाने वाला कौन था? यूरी गैगरिन। और एक कौन से देश के थे? ऑफ द देन यूएसएसआर, मतलब उस वक्त इसको क्या बुलाया जाता था? यूएसएसआर, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसके बाद में टुकड़े हो गए बहुत सारे, तो रशिया, यूक्रेन, ये बाद में अलग अलग हो गए, लेकिन उस वक्त इसको क्या कहा जाता था? यूएसएसआर, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये कभी हुआ था? ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। कभी गए थे? 1961, मतलब आज से तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन 50 साल पहले। और देखो, द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ यूएसए, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर राकेश शर्मा ऑफ इंडिया ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1894। तो राकेश शर्मा जो इंडिया के, उन्होंने अर्थ का ऑर्बिट ऑर्बिट किया, मतलब इर्द गिर्द चक्कर लगाया कभी, इन 1984 इन अ रशियन स्पेसक्राफ्ट। और वो स्पेसक्राफ्ट किसका था? रशिया का था। फिर आगे बताया कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने भी क्या किया है? ये इंडियन ओरिजिन की है, तो ये दोनों इंडियन ओरिजिन की है। इन्होंने भी क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था स्पेस एक्सप्लोरेशन में थ्रू मिशन ऑर्गेनाइज बाय नासा। जो मिशन नासा ने ऑर्गेनाइज किए थे, नासा ये क्या है? ये बहुत बड़ा क्या है? अमेरिका का बहुत बड़ा और वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक एरोनॉटिकल स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है नासा। बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का भी बहुत बड़ा है, और ये अमेरिका में स्थित है नासा। तो उसके द्वारा जो मिशन ऑर्गेनाइज किए गए थे स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसमें कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने भी क्या किया? इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये इंडियन ओरिजिन की है। फिर आगे और सवाल पूछा है, कैन यू रिकॉल विच टाइप ऑफ टेलीस्कोप आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के इर्द गिर्द कौन से टाइप के टेलीस्कोप क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। और वही इट इज नेसेसरी टू पुट देम इन स्पेस। तो ये जरूरी क्यों है कि हम टेलीस्कोप को स्पेस में रखते हैं, ना कि फिर जमीन पर? यहाँ अर्थ पर क्यों नहीं रखे, स्पेस में क्यों रखते हैं? क्यों जरूरी है, ये हम देखेंगे। तो देखो, कितने टाइप के टेलीस्कोप है? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो तीन टाइप के टेलीस्कोप है जो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पहला है ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। पहला वाला कौन सा है? ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। फिर है ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक है ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
और तीसरा है रेडियो टेलीस्कोप, और तीसरा कौन सा है, रेडियो टेलीस्कोप। तो देखो तीन है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, एक है ऑर्बिटिंग अर्थ, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप। और दूसरा सवाल पूछा है कि इनको स्पेस में रखना क्यों जरूरी है, तो बोला है देयर अराइजेस मेनी प्रॉब्लम्स इफ द टेलीस्कोप आर इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ये टेलीस्कोप अगर जमीन पे इंस्टॉल किया जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, सिग्नल मिलने में, इमेजेस वगैरह निकालने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, सच एज, मतलब कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एटमोस्फियर। तो देखो जो रोशनी पड़ती है, तो रोशनी जब पड़ती है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये लाइट को, रोशनी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके लेता है। हाँ, विच एफेक्ट्स द इमेजेस टेकन बाय द टेलीस्कोप। तो जो इमेज टेलीस्कोप लेगा इस पर क्या होता है, ये एफेक्ट पड़ जाता है। सब जो रोशनी पड़ी है और अगर बीच में बादल आ जाएंगे तो क्या, तो रोशनी पूरी तरह से मिल सकती है, नहीं। फिर यहां से अगर टेलीस्कोप हम यहाँ धरती पर अगर इंस्टॉल करेंगे, जो इमेजेस निकाले जाएंगे उसको पूरी तरह से रोशनी नहीं मिल पाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, अच्छी तरह से पिक्चर्स वगैरह नहीं ले सकते। एक पहला कारण है क्योंकि बराबर रोशनी नहीं मिलेगी। दूसरा है वेरियस क्लाइमेटिक चेंजेस आल्सो अफेक्ट द इमेजेस टेकन बाय द टेलीस्कोप। तो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं, बादल आ गए, बारिश आ गए, बारिश के सीजन में बराबर नहीं दिखेगा, फिर फॉग वगैरह आ गया, ठंडी के सीजन में फॉग स्मॉग, इसकी वजह से भी इमेजेस बराबर नहीं ले सकते, अगर धरती पर अगर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा पॉइंट है देयर इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने ये देखा था लेंसेज लेसन में, जो रोशनी आती है एटमोस्फेयर में आने के बाद में क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट होने की वजह से हमको जो दिखाई देता है वो उसका असली पोजिशन नहीं होता। समझो अभी हम एक चांद को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, किसी सितारे को देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका असली पोजिशन नहीं होता। क्यों, चांद से जो रोशनी निकल के आ रही है, देखो चांद में तो रोशनी नहीं होती है, चांद रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो आते वक्त हमारे पृथ्वी के एटमोस्फेयर में आने के बाद में क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाता है, चेंज होता है, तो उसका असली पोजिशन आपको दिखाई नहीं देता, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। फोर्थ है सिटी लाइट्स ऑल्सो इफेक्ट। तो जो शहर में लाइट वगैरह होते हैं, बहुत सारे लाइट्स वगैरह होते हैं, इसके वजह से भी क्या हो सकता है कि असली इमेज देखा नहीं जा सकता। तो अलग अलग लाइट की रोशनी के वजह से भी जो इमेजेस ली जाती है टेलीस्कोप से उस पर भी ये इफेक्ट करता है। तो सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टेलीस्कोप्स आर पुट इन द स्पेस। इसके वजह से टेलीस्कोप को क्या किया जाता है, स्पेस में रख दिया जाता है। एक सारे इसमें प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं, फिर भी थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन जो धरती पर अगर इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे, इसकी वजह से इसको टेलीस्कोप को क्या क्या किया जाता है, स्पेस में इंस्टॉल किया जाता है। आगे और पूछा है कैन यू टेल, मतलब सवाल पूछा है कैन यू टेल करके, क्या पूछा है, वेयर डज द सिग्नल इन योर सेलफोन कम फ्रॉम। तो हमारे जो सेलफोन में जो सिग्नल आता है, एयरटेल का हो, जियो का हो, कौन सा भी टेलीकम्युनिकेशन का हो, ये कहाँ से आता है। और दूसरा सवाल पूछा है वेयर फ्रॉम डज इट कम टू मोबाइल टावर। तो सेलफोन में कहां से आता है, दूसरा सवाल पूछा है कि मोबाइल टावर में कहां से आता है। तो पहले देखो वी रिसीव द सिग्नल फ्रॉम मोबाइल टावर इन आवर सेलफोन। तो हमारे जो सेलफोन पे जो सिग्नल आता है कहां से आता है, मोबाइल टावर से आता है। इसके लिए देखो एक ही जगह रेंज की प्रॉब्लम होती है, एक ही जगह रेंज की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जैसे हम गांव में चले जाते हैं वहां रेंज नहीं आता, क्योंकि वो मोबाइल टावर क्या होता है, कम होते हैं, बहुत दूरी पे होता है। तो क्या होता है, हमको जो सेलफोन पे जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मोबाइल टावर से मिलता है। फिर दूसरा सवाल पूछा है वेयर फ्रॉम डज इट कम टू मोबाइल टावर। अभी मोबाइल टावर का सिग्नल कहाँ से मिलता है, ये मिलता है सैटेलाइट से। तो देखो टू द मोबाइल टावर द सिग्नल कम्स फ्रॉम सैटेलाइट। तो मोबाइल टावर को कहाँ से सिग्नल मिलता है, सैटेलाइट से। हमारे मोबाइल को कहाँ से मिलता है, मोबाइल टावर से मिलता है सेलफोन को, और मोबाइल टावर को कहाँ से मिलता है, सैटेलाइट से ये सिग्नल मिलते हैं। आगे और एक सवाल पूछा है वेयर डज द सिग्नल टू योर टीवी सेट कम फ्रॉम। हमारे जो घर में टीवी सेट होते हैं, टेलीविजन सेट होते हैं, इसको सिग्नल कहाँ से आता है, हम जो टीवी वगैरह अलग अलग चैनल्स वगैरह देखते हैं, इसको सिग्नल कहाँ से आता है। देखो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन टू द हाउस होल्ड टीवी। हमारे घर में तकरीबन बोले ज्यादातर क्या होता है, दो टाइप के कनेक्शन होते हैं फ्रॉम द केबल ऑपरेटर। एक तो होता है केबल ऑपरेटर से आता है सिग्नल, और दूसरा क्या होता है, हमने खुद एक एंटीना बताया होता है, फ्रॉम डिश एंटीना, स्मॉल डिश एंटीना घर में बताया होता है। तो दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। तो
तो दोनों टाइप के कनेक्शन में क्या होता है, अलग अलग तरीके से सिग्नल रिसीव होंगे, वो हम देखेंगे। अब पहले देखेंगे केबल ऑपरेटर। तो देखो केबल ऑपरेटर में क्या होता है, द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन सेंटर। एक टेलीविजन सेंटर होता है, समझो हम एग्जाम्पल पर लेंगे एबीपी न्यूज, क्या लेंगे एबीपी न्यूज। तो एबीपी न्यूज क्या होता है, उनका एक स्टूडियो होता है, वहां से सिग्नल क्या होता है वो ट्रांसमिट करते हैं, और वो किधर जाता है, सैटेलाइट को जाता है। एक स्टूडियो क्या करते हैं, टीवी सेंटर जो स्टूडियो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और कहाँ जाता है, सैटेलाइट को जाता है। फिर बाद में सैटेलाइट से जो केबल ऑपरेटर है वो क्या करता है, उसका खुद का एक डिश एंटीना होता है। तो केबल ऑपरेटर क्या करता है, जो सैटेलाइट से सिग्नल कैच करता है, तो वो डिश एंटीना में कैच करके फिर वो घरों घरों को क्या करता है, सिग्नल केबल के द्वारा क्या करता है, सबको पहुंचाता है। तो क्या बताया, देखो द डिश एंटीना ऑफ द केबल ऑपरेटर रिसीव्स दिस सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट से क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है जो टीवी टीवी चैनल ने भेजा था। फिर वो क्या करता है, वो डिश एंटीना में कैच करने के बाद में फिर वो अलग अलग केबलों के द्वारा क्या करता है, हमको हर घर में पहुंचाता है। देन थ्रू अ केबल दिस सिग्नल आर ट्रांसमिटेड टू इंडिविजुअल होम्स थ्रू केबल। ये होता है केबल ऑपरेटर में। अब हम देखेंगे दूसरा, स्मॉल डिश एंटीना में क्या होता है। देखो द स्मॉल डिश एंटीना रिसीव्स द सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट। यहाँ केबल ऑपरेटर का डिश एंटीना देखिए हमको नहीं देता। अभी एक टीवी सेंटर है, टीवी सेंटर जैसे कि एबीपी न्यूज है समझो, वो न्यूज टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो वो न्यूज टेलीकास्ट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है सिग्नल सैटेलाइट को जाता है। तो सैटेलाइट को जाने के बाद में समझो हमारे घर में टाटा डिश का है, टाटा का क्या है, सैटेलाइट है, डिश टीवी है, नहीं तो टाटा स्काई है। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली सैटेलाइट से कैच करता है, केबल ऑपरेटर से वगैरह कैच करता नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से क्या करता है, कैच करता है। तो देखो फिर क्या है, द स्मॉल डिश एंटीना रिसीव द सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट। फ्रॉम द एंटीना अ स्मॉल केबल इज कनेक्टेड टू द टीवी। तो एंटीना से एक स्मॉल क्या होता है, अभी एंटीना से एक स्मॉल केबल जाता है और वो क्या होता है, टीवी को कनेक्ट होता है, और इससे आपको सिग्नल मिल जाता है टीवी में। और एक सवाल पूछा है, क्या बताया, यू मे हैव सीन फोटोग्राफ शोइंग द पोजिशन ऑफ मानसून क्लाउड ओवर द कंट्री इन द न्यूज पेपर। हम न्यूज पेपर में देखते हैं कि बादल वगैरह आते हैं, टीवी में भी देखते हैं, टीवी में भी जब वेदर रिपोर्ट दिखाता है तो दिखाते हैं कि इधर बादल छाए हुए हैं, इधर बादल नहीं है, इधर मौसम साफ होगा, तो न्यूज पेपर में भी होता है। और पूछा है हाउ आर दीज इमेजेस ओपन, तो ये इमेजेस कैसे पता चलते हैं, ये भी कैसे पता चलते हैं, सैटेलाइट से पता चलते हैं, वेदर सैटेलाइट होता है उससे पता चलता है। तो देखो दीज इमेजेस आर टेकन बाय द वेदर सैटेलाइट। ये इमेजेस किससे लिए जाते हैं, वेदर सैटेलाइट। और एक मजे की बात है, गूगल मैप पता है सबको, गूगल मैप से भी हम क्या सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हमारा घर देख सकते हैं, हमारा ट्यूशन क्लास ऊपर से भी देख सकते हैं, अंदर का नहीं देख सकते, ऊपर के बिल्डिंग वगैरह देखते, सब कुछ गूगल मैप में देख सकते हैं। कैसा देख सकते हैं, ये सैटेलाइट से देख सकते हैं। सैटेलाइट क्या करता है, इमेज निकालता है और गूगल मैप के जो ड्राइव में है, स्टोरेज सेंटर में, वो क्या करता है, क्लाउड में स्टोर करता है, वहां से हम ये रिट्राइव करके इंटरनेट पर वगैरह देख सकते हैं। अभी देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। तो देखो नीड का मतलब जरूरत और इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। तो स्पेस मिशन की जरूरत क्यों है और इसका महत्व क्या है, जरूरत क्यों है और इसका महत्व क्या है स्पेस मिशन का, वो हम देखेंगे। क्या बताया, देखो द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। पहले देखो पहले कैसा था, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत दूर था, एक एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जाने के लिए बहुत महीनों वगैरह भी लगते थे, बहुत दिन लगते थे, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से ये क्या हो गया, अभी ये पूरा वर्ल्ड क्या, एक ग्लोबल विलेज हो गया, एक गांव जैसा हो गया अभी, इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज, बहुत पास पास बहुत करीब आ गया। अगर मुझको यहाँ से अमेरिका बात करना है तो मैं अमेरिका में बात कर सकता हूँ फटाफट, पहले ये मुमकिन नहीं था। अगर मुझको अमेरिका को जाना है तो मैं जल्दी जा सकता हूँ, एरोप्लेन से जल्दी जा सकता हूँ, पहले ये मुमकिन नहीं था, लेकिन ये अभी मुमकिन हो गया है। तो इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। तो वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। इसमें स्पेस मिशन का बहुत बड़ा किरदार है, वो हम देखेंगे आगे कैसे बोल के। स्पेस मिशन, टूडे वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। तो देखो अगर मुझको अमेरिका को बात करना है, मैं कैसे बात करूंगा, फोन से बात करूंगा या फिर इंटरनेट से वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मुमकिन कैसा है, ये सैटेलाइट कौन भेज कौन रहा है, कनेक्शन कौन भेज रहा है, ये भेज रहा है जो स्पेस में जो सैटेलाइट होते वगैरह होते हैं, ये कनेक्शन क्या करता है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। अगर स्पेस मिशन अगर नहीं होता, स्पेस में अगर इतना टेक्नोलॉजी अगर एडवांसमेंट नहीं होता, तो हम ये मुमकिन
नहीं होता, और ये जो पूरा कंट्री है ये ग्लोबल विलेज नहीं होता। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम, तो दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे देख सकते हैं। हमको अमेरिका में क्या हो रहा है अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमने सीएनएन आईबीएन वगैरह लगाया, वहां के चैनल लगाए तो मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो अगर गूगल पर डालेंगे अमेरिका न्यूज लेटेस्ट न्यूज डालेंगे तो वो मिल जाएगा, घर बैठे बैठे वीडियोस भी दिखेंगे इमेजेस भी दिखेंगे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो समझो अमेरिका में कोई हमारा दोस्त है, अगर आप उसको फोन करके पूछेंगे तो भी मिल जाएगा। तो घर बैठे बैठे हमको निकलने की जरूरत नहीं है, अमेरिका को जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे हमको सब जानकारी मिल जाती है। यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इंपॉर्टेंस तो सब लोग जानते हैं और सब लोग आजकल यूज भी करते हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा कोई नहीं कि ज्यादा यूज करता नहीं। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट अवर फिंगर टिप्स, तो फिंगर टिप्स का मतलब क्या, कीबोर्ड पे दबाया टाइप किया इंफॉर्मेशन आ जाती है। इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। देखो जब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो क्या करता है, जो हमारे देश का क्या होता है वेदर के ताल्लुक से, जो हवामान के ताल्लुक से जो डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन पहले ही दे देता है, क्या कि अगले 24 घंटे में, नहीं तो 48 घंटे में क्या आएगा, ऐसा ऐसा तूफान आएगा, सभी मछुआरे वगैरह जो समंदर के किनारे वगैरह रहते हैं क्या करो, समंदर में मत जाओ, खतरा है। तो ये किसे पता चला उनको खतरा, उनको किसी ने आके कान में आके बोला, क्या उनको कुछ खा पड़ा, ड्रीम वगैरह आया, नहीं, ये सैटेलाइट की वजह से होता है। ये क्या होता है, सैटेलाइट की वजह से इनको पता चलता है, और ये पता चलने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकते हैं, एक अंदाज होता है। ड्यूरिंग वॉर इट इज पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शंस ऑफ द एनिमी थ्रू एरियल सर्वेलेंस यूजिंग सैटेलाइट। तो देखो वॉर में जब वॉर वगैरह होता है तो दुश्मन के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, खबर रख सकते हैं उनके हालचाल के बारे में, कैसा, सैटेलाइट के थ्रू ये खबर रख सकते हैं। इसमें अमेरिका बहुत टॉप पर है, इनके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी, ये लोग क्या कर सकते हैं, खबर हम रख सकते हैं दुश्मन पर, खबर रख सकते कौन क्या कर रहा है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व एंड मिनरल्स इन द अर्थ। देखो स्पेस से, सैटेलाइट से जमीन में जो कुछ छुपा है वो भी हम पता लगा सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, फॉसिल रिजर्व, फॉसिल मतलब जो जमीन में दबा हुआ है रिजर्व, वो भी पता लगा सकते हैं और मिनरल्स भी पता लगा सकते हैं। Thus there are unlimited application of space mission. तो space mission के unlimited application है, इसके बहुत सारे इंसान को फायदा है। अगर space mission नहीं होता तो ये जो हम तरक्की देख रहे हैं इंटरनेट की, मोबाइल की, ये कुछ भी नहीं होता। इवन दो जो एरोप्लेन भी जाता है इसका भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है कि तुम बराबर जा रहे हो, अलग रास्ते में जा रहे हो, इधर आओ इधर लैंडिंग करो, तो ये भी पूरा क्या होता है, पूरा जो कम्युनिकेशन होता है पूरा सैटेलाइट के थ्रू होता है ज्यादातर, पूरा तो पूरा। तो अगर स्पेस मिशन अगर नहीं होता, एडवांसमेंट नहीं होता, तो ये ग्लोबल विलेज नहीं होता, हम अभी तक क्या हो रहे थे, बहुत बैकवर्ड रह रहे थे। तो बताया टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनएविटेबल पार्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। इनएविटेबल मतलब क्या, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इनएविटेबल मतलब कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। एक देश को अगर तरक्की करना है तो उसको स्पेस मिशन में क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, एडवांसमेंट करना पड़ेगा, उसके पास दूसरा कुछ रास्ता नहीं है अगर उसको डेवलप होना है तो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अभी देखेंगे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अ नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लेनेट। तो देखो नेचुरल सैटेलाइट किसको कहते हैं, इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है या फिर किसी और प्लेनेट को क्या कर रहा है, ऑर्बिट, और एक कुदरती होता है, इंसान ने इसको बनाया नहीं, कुदरती होता है, बाय नेचर होता है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ को कितने मून है, एक ही मून है, तो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन दूसरे प्लेनेट को एक नहीं, जुपिटर को वगैरह एक से ज्यादा मून है, एक से ज्यादा मून है, अर्थ को सिर्फ एक ही मून है। इसके अमावस्या भी क्या होता है, एक ही बार आता है। हाँ आगे देखो, सम अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट। तो अदर प्लैनेट जो है उसमें क्या है, एक से ज्यादा सैटेलाइट है, मतलब क्या, एक से ज्यादा मून है, अलग ज्यादा सैटेलाइट है, अर्थ तो सिर्फ एक ही है। सिमिलरली इफ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, अभी देखो सिमिलरली वैसे ही अगर एक मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, जिसने इंसान ने बनाया है, और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, या फिर किसी और प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसको अंडरलाइन करके लो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसको कहते हैं,
कि अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आगे बताया है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक वाज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन इन 1959। सो देखो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसका नाम क्या है? स्पुटनिक, नहीं तो स्पुटनिक, वाज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन इन 1957। सबसे पहला 1957 में सोवियत यूनियन ने क्या किया था? पहला सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था। उसका आपके टेक्स्ट बुक में इमेज भी दिया है, यह है स्पुटनिक और ये किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने भेजा था, 1957 में भेजा था। टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो अभी जो 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं? अर्थ के इर्द गिर्द, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द क्या हो रहे हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। द सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी। अभी देखो जो सैटेलाइट सिग्नल वगैरह भेजता है तो इसमें एनर्जी होना चाहिए, पावर होना चाहिए, पावर मिलता कहां से? इसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी लगा हुआ होता है, सोलर एनर्जी का यूज करता है। सो सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सैटेलाइट्स लाइक विंग्स। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं इनको क्या लगाया जाता है? सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल। तो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल ये लगाया जाता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी पड़ने पर इसमें क्या हो जाता है? एनर्जी क्रिएट होती है, करंट तैयार होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है और इसी से ये सिग्नल क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। इसी से क्या कर सकते हैं? ये सिग्नल हमको भेज सकते हैं। और ये जो पैनल वगैरह होता है ये कैसे देखते हैं? विंग्स के जैसा, जैसे कि इनको पंख है, सैटेलाइट को पंख के जैसे दिखाई देता है। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द अर्थ। तो अलग अलग जैसा जो सैटेलाइट जिस तरीके का है वैसे इंस्ट्रूमेंट भी उसमें इंस्टॉल किया जाता है। वेदर सैटेलाइट के लिए अलग होगा, जो टेलीकम्युनिकेशन का सैटेलाइट होगा उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा अलग अलग सैटेलाइट के लिए, उसका मकसद क्या है उसके पर डिपेंड होगा। तो क्या बताया है? इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम एंड टू द, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया जाता है सैटेलाइट में। द सैटेलाइट्स हैव वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। तो सैटेलाइट की फंक्शन के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। आपको एक इमेज दिया है, सेलफोन का दिया है, स्मार्टफोन सेलफोन यूज कर रहे हैं उसका क्या बताया? देखो सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू अ मोबाइल टावर एंड मोबाइल फोन आर ऑल्सो शोन। ये फिगर में किसका किसका दिया है? देखो सिग्नल क्या हो रहा है? एक सैटेलाइट से ट्रांसमिट हो रहा है मोबाइल टावर को, और मोबाइल टावर से कहां जा रहा है? अब आ रहे सेलफोन में, सेलफोन में आ रही है, इमेज में ये दिखाया गया है। दिस सैटेलाइट आर सेंट इन टू द स्पेस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और ये जो सैटेलाइट होते हैं ये स्पेस में क्यों भेजते हैं? अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य करने के लिए इनको क्या स्पेस में भेज दिया जाता है, इनका मकसद अलग अलग होता है। अब ये क्या है? फुल फॉर्म दिए है, इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? देखो इंडियन, ये इंफॉर्मेशन के लिए आपके, इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जी सेट का क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। IRNSS क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV ये क्या है? स्पेस स्टेशन का नाम है, GSLV ये है लॉन्चर, है स्पेस लॉन्चर, जैसे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्चर है। PSLV क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो देखो GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंफॉर्मेशन के लिए है। आगे बताया है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, मतलब सैटेलाइट के फंक्शन के ऊपर डिपेंडिंग, सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये सवाल इसके ऊपर आ सकता है कि सैटेलाइट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। आपको एक टेबल दिया है, देखो टाइप ऑफ सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट है? वेदर सैटेलाइट है। कौन सा है? वेदर सैटेलाइट है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, ये वेदर को स्टडी करता है और प्रेडिक्ट करता है आगे क्या होने वाला है। फिर जो नेम्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल्स, तो इंडियन
इंडिया के द्वारा जो सैटेलाइट भेजे गए हैं स्टडी करने के लिए, वो कौन से है? इनसेट एंड जी सेट है। और लॉन्चर क्या है, कहाँ से लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था? जीएसएलवी, ठीक है, जीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। दूसरा टाइप ऑफ सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट क्या है? एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। तो पूरे दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए ये क्या किया गया था, इसका मकसद ये था, किसका? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। और द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज कौन सा है? इनसेट और जी सेट है। और लॉन्चर कौन है? जीएसएलवी है। फिर ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट भी होता है, टेलीकास्टिंग, जो टेलीविजन वगैरह चैनल्स वगैरह ब्रॉडकास्ट करता है। तो क्या टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम इसका मकसद होता है। और नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज कौन सा? इनसेट और जी सेट है। और लॉन्चर क्या, कहाँ से लॉन्च है? जीएसएलवी से। फिर नेविगेशन सैटेलाइट फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरियस प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लोकेशन वगैरह पता करने के लिए यूज किया जाता है नेविगेशन वगैरह, जैसा एरोप्लेन में है नेविगेशन, उसमें फाइंड करने के लिए, शिप में है नेविगेशन के लिए लगता जरूरी है। तो जो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज क्या है? IRNSS। और लॉन्चर कौन सा है? PSLV है। मिलिट्री सैटेलाइट, ये खास मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, मतलब बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बॉर्डर पर वगैरह क्या हो रहा है, क्या हालचाल हो रही है, तो खुद जाके देखना से बेहतर है कि सैटेलाइट से देखे। तो ये सैटेलाइट से देखा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट। और नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज क्या है? IRNSS है। ये कुछ भी दिया नहीं इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ये टाइप का सैटेलाइट होता है। इंडिया ने अभी तक नहीं भेजा, इंडिया ने अभी तक नहीं भेजा। फिर टाइप ऑफ सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो अर्थ को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट होगा, डेजर्ट, ओशन होता है, पोलर आइस वगैरह बहुत सारे कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ये स्टडी करने के लिए ये टाइप का सैटेलाइट होता है। तो इंडिया के जो सीरीज है सैटेलाइट जो भेजा है, ये कौन सा? IRS सीरीज है। और इसका लॉन्चर कौन सा है? PSELV। ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अभी देखो ऑर्बिट का मतलब क्या, जो सैटेलाइट घूमता है, जो उसकी कक्षा होती है, कैसा घूमता है, उसको कहते हैं ऑर्बिट, कक्षा, वो कौन से घेरे में घूमता है, उसको बोलते हैं कक्षा, ऑर्बिट। ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं तो वो एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमते, अगर एक ही ऑर्बिट में घूमते तो क्या हो जाता, टक्कर हो जाता, अलग अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टक्कर हो जाता। तो बहुत सारे देखो अभी बहुत सारे चैनल, आप अगर चैनल हम देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के चैनल, उसमें एक इंफॉर्मेशन आता है कि हमारे चैनल ये सैटेलाइट पर दिखेगा, हमारा ये चैनल ये सैटेलाइट पर दिखेगा, जी सैट पर दिखेगा, तो बाद में बर्ड पे दिखेगा, हॉट बर्ड पर दिखेगा, ये अलग अलग सैटेलाइट के नाम है, कौन से सैटेलाइट पर कौन सा हमारे चैनल कहाँ दिखता है। तो वो चैनल वाले को क्या समझो, हमने एक नया चैनल शुरू किया और हमको दिखाना है टीवी पर, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक सैटेलाइट चुनना पड़ता है कि हमको कौन से सैटेलाइट से दिखाना है। और हर कोई सैटेलाइट उसका टेलीकास्ट सब जगह नहीं आता, हर एक कंट्री के लिए अलग अलग सैटेलाइट होता है, उसका रेंज अलग अलग होता है। तो वो सैटेलाइट को हमको गवर्नमेंट के पास से पैसे वगैरह देकर, नहीं तो किसका सैटेलाइट, उनको पैसे देकर हमारे पास टेलीकास्ट करने के राइट्स वगैरह लेना पड़ता है। तो हर एक सैटेलाइट क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिट में होता है, एक ही ऑर्बिट में नहीं होता। द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, अभी देखो क्या पूछा, क्या बताया, जो सैटेलाइट का फंक्शन है वो उसकी सैटेलाइट की हाइट भी बताता है, मतलब कितने हाइट पर, अगर अगर वेदर है, अगर क्या है, वेदर है, तो वेदर के हिसाब से सैटेलाइट क्या होगा, उसकी हाइट अलग होगी। अगर चैनल टेलीकास्ट करना है क्रिकेट मैच वगैरह, चैनल ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, तो उसकी हाइट अलग होगी। टेलीकम्युनिकेशन का सैटेलाइट है तो उसकी हाइट क्या होगी, अलग होगी। तो क्या बताया कि द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और बताया द नेचर ऑफ द ऑर्बिट, द सर्कुलर और एलिप्टिकल, एंड वेदर द ऑर्बिट शॉल बी पैरेलल टू इक्वेटर और मेक सम एंगल विद इट। तो ये सब पूरा जो है किस पे डिपेंड होगा, कि वो सैटेलाइट का मकसद क्या है, वो किस कार्य के लिए भेजा गया है, ये पूरा उसका हाइट, फिर बाद में वो गोल घूमेगा या एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमेगा, क्या ये इक्वेटर को पैरेलल रहेगा क्या नहीं, तो नहीं तो कौन सा एंगल होगा, ये अलग अलग इसके पर, वो सैटेलाइट के फंक्शन पर डिपेंड रहेगा, उसका मकसद क्या है भेजने का, उस पर डिपेंड रहेगा। टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट एट स्पेसिफिक हाइट अबव द अर्थ सर्फेस, द सैटेलाइट इज टेकन टू दैट हाइट यूजिंग अ सैटेलाइट लॉन्चर। अभी हमको एक सैटेलाइट क्या करना है, उसके कक्षा में, ऑर्बिट में भेजना है, तो ये किससे भेज सकते,
सैटेलाइट लॉन्चर की मदद से भेज सकते हैं। कैसा? सैटेलाइट के लॉन्चर के मदद से। इसको अंडरलाइन करके लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट एंड स्पेसिफिक हाइट अबव द अर्थ सर्फेस, द सैटेलाइट इज टेकन टू दैट हाइट यूजिंग अ सैटेलाइट लॉन्चर। तो सैटेलाइट लॉन्चर के मदद से सैटेलाइट को उसके कक्षा में, उसके हाइट में भेजा जाता है। आपके बुक में एक इमेज दिया है। देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो लॉन्चर में क्या करते हैं, लॉन्च करने के बाद में इस सैटेलाइट को क्या एक वेलोसिटी, एक स्पीड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक स्पीड दिया जाता है, क्योंकि वो घूमना चाहिए। नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसका शॉर्ट फॉर्म है वीसी, इन अ टेंजेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिट। ये देखो, ये फिगर में ये जो वीसी दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये टेंजेंशियल है। टेंजेंट क्या होता है? हमेशा सर्कल को परपेंडिकुलर होता है। रेडियस को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हमने ज्योमेट्री में देखा था, जो रेडियस होता है, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। तो टेंजेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है रेडियस को। तो इधर ये भी क्या हुआ है? बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है आर को, आर और एच को। तो क्या बताया? देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और उस सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, एक स्पीड दिया जाता है, नोन एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। और वो स्पीड कैसे दिया जाता है? इन अ टेंजेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब बराबर 90 डिग्री के डायरेक्शन में दिया जाता है ऑफ द ऑर्बिट। अगर समझो ये ऑर्बिट है, ये जो सर्कल दिया है ये ऑर्बिट है, तो इसके बराबर 90 डिग्री में क्या करते दिया जाता है, इसको एक स्पीड दिया जाता है। दो द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो वो सैटेलाइट क्या हो जाता है? एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, एक स्पीड देने के बाद में वो सैटेलाइट घूमना शुरू कर देता है, अर्थ के ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देता है। द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी वीसी कैन बी डिराइव्ड एज बिलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेसन में प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम्स आएंगे। देखो, द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी वीसी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, कैन बी डिराइव्ड एज बिलो। कैसा आएगा? देखो, इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास यम, अगर समझो एक सैटेलाइट है, उसका मास है, मास मतलब क्या? उसका अंदर का कंटेंट, मास कितना है? यम है। इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, और वो अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइट एच, और उसकी हाइट कितनी है? एच है। हाइट कितनी है? एच। विथ स्पीड वीसी, और उसका स्पीड कितना है? वीसी, मतलब अर्थ से वो एच है। देखो, एच सिर्फ कितना आएगा फिगर में? देखो, एच सिर्फ इतना आएगा, ये जो एच है ना, इतना ही है, छोटा, यहां से नहीं है, सेंटर से लेके हाइट नहीं है। अर्थ से कितना हाइट है? तो ये इतना आएगा सिर्फ एच। तो विथ स्पीड एच, देन एज सीन इन द चैप्टर ऑन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के चैप्टर के हिसाब से हमने जो पहले लेसन में देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? सेंट्रपेटल फोर्स देखा था। क्या देखा था? सेंट्रपेटल फोर्स। तो फॉर्मूला क्या आएगा? सेंट्रपेटल का फोर्स एम वी स्क्वेयर सी डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? रेडियस, इसमें आर भी आएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ भी आएगा, प्लस क्या आएगा? हाइट भी आएगा, विल एक्ट ऑन इट। तो सेंट्रपेटल फोर्स का फॉर्म क्या आएगा? देखो, एम वी स्क्वेयर सी डिवाइडेड बाय आर, नहीं तो अपॉन आर, विल एक्ट ऑन इट। हियर आर इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस है किसका? सैटेलाइट का है। किसका है? अर्थ का नहीं, सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हियर आर इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द। दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हमने ये भी देखा था, ये सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता कैसा है? ये अर्थ की वजह से मिलता है, अर्थ भी उसको खींचते रहता है, सन भी खींचते रहता है, तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स तैयार होता है। इसके लिए मून इर्द गिर्द घूम रहा है हमारे, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसको सेंट्रिपिटल फोर्स से मिलता है। देयरफॉर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू, क्या है? इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो ये याद रखो, इसको अंडरलाइन करके लो। तो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो देखो, सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा ग्रेविटी की वजह से होता है। क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। इसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो देखो, अभी फॉर्मूला क्या आएगा? हमने पहले इसके ऊपर पहले क्या देखा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर सी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच।
कि मतलब आर स्मॉल आर था ना पहला, स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, तो ये आर प्लस एच आ गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट, इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यम इंटू यम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला, दोनों क्या ये इक्वल टू है। नीचे पूरा डिटेल आएगा। पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इधर इधर देखो, इधर जो आर प्लस एच है, इधर क्या है डिवाइडेड बाय है। अगर इस हमको इधर सिर्फ किसका वैल्यू निकालने का है, वीसी का निकालना है, वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। तो वीसी के साथ कौन है, आर प्लस एच इधर डिवाइडेड बाय है, अगर उसकी साइड चेंज होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय होगा, और डिनोमिनेटर में था इधर क्या जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। और यम जो था इधर मास, इधर क्या है मल्टीप्लाइड बाय, उसका साइड चेंज होगा तो वो क्या होगा डिवाइडेड बाय, तो इधर डिवाइडेड बाय गया। फिर ये आर प्लस एच फिगर देख सकते हैं बोर्ड पर, ये आर प्लस एच और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आर प्लस एच स्क्वायर का मतलब क्या, आर प्लस एच ये दो बार है, तो ये दो बार भी का एक बार कट हो जाएगा और एक बार कट हो जाएगा, और ए एम और ए एम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बचेगा क्या, क्या बचेगा, वीसी इक्वल टू जी एम बचेगा, लेकिन हमको स्क्वायर भी निकालना है, क्योंकि हमको वीसी का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, वीसी का वैल्यू निकालने का। तो स्क्वायर को अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिया है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद में जो वीसी था क्रिटिकल वेलोसिटी का जो स्क्वायर था वो चला गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये स्क्वायर में आ गया। तो आगे दिया है इसमें जी जो वैल्यू है, जी एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, हमने साइंस वन के सबसे पहले लेसन में देखा था जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11 न्यूटन एम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एन क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन एम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम क्या है, ये मास ऑफ द अर्थ है, और मास ऑफ द अर्थ कितना है, ये 6 इंटू 10 रेस टू 24 केजी है मास ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ ये फिक्स है, देखो जी भी फिक्स होता है, यम भी फिक्स है, आर रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है, अलग बार बार चेंज नहीं होगा। तो मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 × 10⁴ kg मास ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर कितना है, 6.4 × 10⁶ m, ये है। और उसका किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6,400 किलोमीटर, ये अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ का क्या है रेडियस। ये तुमको सब याद करना पड़ेगा, जी एम आर इसका वैल्यू कितना है। ये चीज इक्वल टू क्या है, जो छोटा ये चाहिए क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट का हाइट कितना है वो आर है। और आर प्लस एच कितना आएगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, मतलब क्या आएगा, आर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट दोनों मिलाकर क्या होगा, सैटेलाइट का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ये उसका टोटल आएगा। इट कैन बी सीन दैट क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं होता, इसके लिए मास आता नहीं, मास का वैल्यू आया क्या, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूला में मास आया क्या, सैटेलाइट का मास आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या क्या हो सकता है, क्रिटिकल वेलोसिटी में देखो सैटेलाइट का वेट, क्रिटिकल वेलोसिटी बोले तो क्या, पहले वो याद रखो, रिपीट करता हूं मैं, क्रिटिकल वेलोसिटी किसको कहते हैं, कि जब सैटेलाइट उसके ऑर्बिट में जाता है, उसके कक्षा में जाता है, तो उसको एक स्पीड दिया जाता है, वेलोसिटी एक स्पीड दिया जाता है, क्या दिया जाता है, स्पीड, क्योंकि वो घूमना चाहिए ना अर्थ के आजू बाजू, उसको स्पीड जो दिया जाता है उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया, हमने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च किया, अभी वो जगह में जाके उधर ठहरा, अभी उसको स्पीड देना चाहिए क्योंकि वो अर्थ के आजू बाजू घूमना है उसको, तो वो घूमने को वो जो स्पीड देते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी देखा, अभी वो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक बार देखो, सब लोग निकालो, अंडर स्क्वायर रूट में क्या आता है, देखो अंडर स्क्वायर रूट में क्या आता है, जी एम आता है ना, जी एम डिवाइडेड बाय क्या है, आर प्लस एच। अभी जी एम, एम किसका मास है, अर्थ का मास है, जी किसका मास है, ग्रेविटेशन है, मास नहीं है, लेकिन जो सैटेलाइट का मास है क्या, सैटेलाइट का मास है। अभी मैं तुमको एक पास बात पूछता हूँ, समझो हमको इधर जमीन पर एक छोटा एक ये करना है, मतलब टू व्हीलर ढकलना है, ढकल सकते हैं क्या हम, एक आदमी अकेला ढकल सकता है, टू व्हीलर ढकल सकते हैं ना आराम से, हाँ समझो एक आदमी को ट्रेन ढकलना है, ढकल सकता है क्या, क्यों नहीं ढकल सकता, उसका वेट ज्यादा है कि नहीं, उसका क्या है, वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, अगर हमको स्पीड देना है, ढकलना है, एक वेलोसिटी, उसको स्पीड देना है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी देना है, तो उसका वेट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, उसको कितना वेट देना पड़ेगा, कि एक आदमी लगेगा, दो लगेगा, 100 लगेंगे, 500 लगेंगे, 1,000 लगेंगे,
वो वेट कैलकुलेट करके पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला में सैटेलाइट कॉर्न को क्या करना है, स्पीड देना है, मतलब ढकलना है उसको, स्पीड देना है। तो इसमें वेट क्यों नहीं आ रहा सैटेलाइट का, मास क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मालूम है? क्योंकि जब सैटेलाइट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के निकल के बाहर जब जाता है तो उधर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो फिर तभी क्या हो जाएगा, वेट क्या होता है, जीरो। वेट क्या हो जाता है, जीरो। मास रहता है, मास का मतलब क्या है, मास मतलब कंटेंट क्या है, मास रहेगा लेकिन वेट क्या हो जाएगा, जीरो। इसके लिए हमने फर्स्ट लेसन में देखा था, अर्थ पर समझो कोई भी चीज 10 किलो है तो मून के पर उसके 10 किलो नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन मास एक ही रहेगा, मास एक रहेगा, वेट क्या रहेगा, अलग अलग। तो ये जो सैटेलाइट है जब वो स्पेस में जाता है तो उसका मास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके लिए मास को कंसिडर किया नहीं जाता, ये फॉर्मूला में मास को कंसिडर नहीं किया करके क्या बोला, इट कैन बी सीन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का मास पर डिपेंड नहीं है। आगे पूछा है, बताए, एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्या बताया है, जैसे ये सैटेलाइट का हाइट बढ़ते जाता है, एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब जितना ये जो सैटेलाइट है अर्थ से दूर जाएगा तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी, जो स्पीड लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या लगेगा, कम लगेगा।